और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां सीएम भूपेश बघेल पाटन के लिए रवाना हो रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल रायपुर से पाटन के लिए रवाना होने से पहले बातचीत कर रहे हैं। राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना की राशि और राजीव युवा मितान क्लब की राशि, गोधन न्याय योजना की राशि, भूमि श्रमिकों और ये राशि सब उस दिन वितरित भी किया जाएगा। और उसके साथ एक और बड़ा लक्ष्य जो हम लोगों का था, महात्मा गांधी हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका भी शिलान्यास उस दिन किया जाएगा। तो ये उस दिन 21 तारीख की तैयारी हमारी चल रही है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में हो रहा है और इसलिए आज पाटन में जाके थोड़ा सा चर्चा भी करूंगा साथियों से। कर्नाटक आज शाम को जाऊंगा, क्योंकि कल 12:30 बजे शपथ ग्रहण है। तो वेणुगोपाल जी का और डीके शिव कुमार दोनों का फोन आया था, निमंत्रण कल उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया गया, तो मैं आज ही शाम को चल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लाइंग टाइम ज़्यादा लगता है। सुबह सुबह जाओ, ट्रैफिक, और उस दिन शाम को पहुँच जाऊँगा। और सेंट्रल रिश्ता का 28 तारीख को उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं, और कोई इंसिडेंस कह लीजिए, कोई दूसरी चीज, उस दिन सावरकर की भी जयंती है। ठीक है, और कोई सवाल? बीजेपी 9 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाले, जिसमें 1,000 से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाई है और उनका सम्मान करने वाले घर में जाकर समर्थन जो है वो मांगे, कैसे लाभार्थियों का सम्मान, लाभार्थी के रूप में? हाँ, मतलब उन लाभार्थियों का जो महंगे पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जो महंगी रसोई गैस खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जिसका टॉयलेट तो बन गया है पेपर में लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, उन लाभार्थियों के पास जिसमें नोटबंदी के कारण से कितने लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हुआ, प्रभावित हुआ, उसको सम्मान करेंगे। और लॉकडाउन में कितने लोगों काल कवलित हुए, क्या यही इसी उपलब्धि पर जाएंगे, या उन व्यापारियों के पास जो GST पटाते पटाते फार्म भरते भरते लोग परेशान हो गए हैं, उसके पास जाएंगे? कांग्रेस का डबल फेस पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स का आरोप लग रहा है कि दो दो चेहरे हर जगह में रखे हैं कांग्रेस ने चुनाव में, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, कर्नाटक में भी दो चेहरे हैं, फिर 2.5 साल ऐसा पहले से क्लियर क्यों नहीं कर देती कि विवाद की स्थिति न हो? आज कर्नाटक में विवाद की स्थिति बनी हुई है, आरोप लग रहा है इसमें कौन सा भाई? उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले थे ना, यूपी में 1 को तो राज्यपाल बना के भेजे कश्मीर का, है ना, और 8 दिन लगा था मुख्यमंत्री चयन करने में। गुजरात में कितने मुख्यमंत्री बदले? तो पर उपदेश कुशल बहुत है। और बताइए सर, अमित शाह जी का कहना है कि गुजरात के 4 लोगों ने भारत के आधुनिक इतिहास में सबसे ज्यादा योगदान दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी। गुजरात ने अनेक विभूति दी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। 2 महापुरुष महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल को सब जानते हैं, भक्ति आंदोलन में बड़े बड़े संत हुए, समाज सुधारक हुए। लेकिन अभी आधुनिक वर्तमान समय में गुजरात में 4 लोग दिए, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। भाजपा किसान चौपाल लगाने जा रही है, उसके लेकर अरुण साव जी कह रहे हैं कि किसानों को ठगने और धोखा देने का काम कांग्रेस ने किया है, खाद से लेकर सिंचाई और बिजली सप्लाई तक के लिए किसानों को परेशानी उठानी पड़ी, इन्हीं सब बातों को लेकर किसानों की। अच्छा, गठान पूरा हो गया क्या उनका? अरे वो सब ठीक है, ये सब चीज सोशल मीडिया और मीडिया भर में है। ये लोग गौठान जाने वाले थे, 1 आरंग के गोढ़ी गौठान में गए, कब से बोल रहे थे गौठान जाएंगे, 8-10 दिन 15 दिन, है ना, 15 दिन में 1 गौठान, 10,000 गौठान बनाए हम लोग 10,000 गौठान जाते 15 दिन में 1 गौठान तो 10,000 गौठान कितने दिन में?
ये तो सवाल पूछे जाना चाहिए। कार्यक्रमों का आयोजन करके भाजपा भूल जाती कि कल अध्यक्ष को ही नहीं पता था माध्यमों के कार्यक्रम का, तो भाजपा छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि रामसेवक पैकरा का कार्यकाल देखे नहीं, ये उसी प्रकार से चलता है। यहाँ विज्ञप्ति जारी करने वाला कोई और होता है, कार्यक्रम बनाने वाला कोई और होता है, चेहरा कोई और होता है। तो ये जो घटना आपने बताया है उससे स्पष्ट हो गया कि पैकरा जी और अरुण साव में ज़्यादा अंतर नहीं है, कि उसको पता ही नहीं रहता था। मैं कई बार हम लोग पूछते थे कि क्या बयान देते, मुझे पता नहीं। तो उसी प्रकार से अरुण साव जी के साथ भी यही हो रहा है। अभी तो बताया ना, उसको पता ही नहीं रहता कार्यक्रम का, पता ही नहीं रहता कार्यक्रम हो जाता है। कई बार देखा गया ऐसा कुछ कार्यक्रम होते हैं तो डॉक्टर साहब का चेहरा सामने आता है, अध्यक्ष पीछे हो जाते हैं, तो ये फरमान को कैसे देखते हैं? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में बहुत गड़बड़ चल रहा है।